Coke Studio, Season 14. ये हमने तीन गाने बनाए थे इससे पहले, और उसके बाद जो गाना बनाया था वो इट वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डू यूजुअली, सो आई थिंक लाइक इट डिडंट हैव मच ऑफ माय एलिमेंट, बट देन इन द एंड आई वाज लाइक कि मुझे एक अपनी तरफ से एक पिच देने दें, तो इस गाने को मैंने प्ले किया तो ही जस्ट स्टूड अप एंड ही वाज लाइक दिस इज द वन। काफ़ी प्रेशर था कि नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्या हो रहा है, क्या होगा, एंड देन ही टोल्ड मी लाइक कि मुझे ये गाना सुना है। आई वाज इवन विद तलाल, मैं जुल्फी भाई के साथ था, और उन्होंने मुझे एक लाइक पीछे हट का वर्ड वाज इन द बीट, और उन्होंने गाने के बारे में मुझे बताया कि ये, और मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। ही टोल्ड मी कि ही वाज गेटिंग जस्टिन बीबीज। आई थिंक ओवरऑल जिस भी जो जितने भी गाने बनाए हमारे पास क्रिएटिव कंट्रोल काफी था, हमने राइटिंग एवरीथिंग, यू नो जुल्फी हैज बीन सुन रहे थे, ही हैज बीन सो सपोर्टिव ऑफ द आइडियाज वी आर ट्राइंग टू पिच जनरली, क्योंकि हमारे अपने गाने भी जो थे उन्होंने वो सारे सुने हुए थे। हां, उन्होंने सब सुना हुआ unreleased, he's up to date, yeah, he knows everything, yeah, but so he is also taking our like opinions, or fir obviously being zulfi bhai wo apna opinion de rahe the, और वी वुड ऑल्सो लाइक एक चीज़ कोलैबोरेटिवली हो रही थी, एंड वंस यू फील कि सारी चीज़ें बहुत कोलैबोरेटिवली हो रही हैं तो जो आपके पास जिस जॉनरा में गाना हो इट्स गोना कम एंड इट्स गोना बी अ फाइनल फ्रेश प्रोडक्ट विद एनी साउंड, तो वही हुआ इस गाने में। जर्नी वही है कि हर किसी लाइक हर म्यूजिशियन की वही है स्ट्रगल जर्नी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, किस तरीके से आपने काम करने, you have to find your sound, you have to work on yourself, apni personal problems kitni hoti hain hamare paas uske sath aapko ye as a primary work karne, I don't have a backup, you know I work on music 24/7, to mere liye ye to meri zindagi hai, to for me to be myself on a platform like this maine nahi suna abhi tak तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं, यार नहीं सुना। सारे आर्टिस्ट कितनी वर्सेटाइलिटी है पूरे सीजन में, प्रोड्यूसर्स की भी है, अब्दुल्ला सिद्दीकी है, जुल्फी भाई खुद कर रहे हैं, जैन अली है, मास्टरपीस है वो बंदा। People have been supporting my music since like 2007. I have been supporting his music since 2012. Full, मतलब मुझे भी पहली बार जब हम गाना भी कर रहे थे साथ तो यही सारी फैंस की बात हो रही थी। तू भी फैन ही है? हाँ, मैं तो मैं भी जरा फैन। तो मैं भी यही कह रहा था कि यार मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको नहीं पता, और ये कहते चले बॉय। तो I can understand. I love my fans. I love my fans too. Only fans Hasan into Talal. It's the same, to be honest. नया वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही जस्ट सेट है। मतलब हम लोग आधे घंटे में भी एक गाना बना लेंगे, कभी कभार हम कुछ टाइम लेके भी गाना गा, बट वी नेवर फोर्स एनीथिंग, दैट्स व्हाई। एंड व्हेनेवर वी मीट वी आर जस्ट लाइक कल चलो कुछ कर लेते, चलो कुछ कर लेते हैं। हाँ, कोई प्री प्लान वो इसके साथ भी ऐसे ही था, बस ऑब्वियसली इसको हम थोड़ा प्रोफेशनली कर रहे थे तो इसमें तो बैक, लेकिन आई थिंक हाँ जिस तरीके से इस पर काम हुआ वो नेचुरली ऐसे ही हुआ कि अच्छा हाँ चलो एडिशन्स हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ना टेल हिम कि यार यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वो कम कर दो, कुछ यहाँ पे एक और चीज़ लगा दो, तो वो हर कोई एक दूसरे की बात सुनते हुए, और वो हमारे साथ आई डोंट हैव टू लाइक से एनीथिंग ट्वाइस, ही डजंट हैव टू से एनीथिंग ट्वाइस टू मी, लाइक वो समझ जाते हैं कि यार दूसरा अपनी जगह पर कुछ बोल रहा है तो ही प्रॉब्ली बी सेइंग बिकॉज़ उसके पास कोई रीज़न होगा उसके पीछे, सो वी नेवर क्वेश्चन दैट, हम लोग करते हैं एक दूसरे को इसी तरह, वी जस्ट पिक ईच अदर अप।